अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है यूपी के अलक पांडे ने। वह यूपी के संगम नगरी प्रयागराज से आते हैं। अलक पांडे ने सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में 8500 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी करके सबको चौंका दिया। लगभग 6 वर्ष पहले उन्होंने एक कमरे से अपना सफर शुरू किया था। उनके कड़े परिश्रम का ही नतीजा है कि आज फिजिक्स वाला एक ब्रांड बन चुका है और देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। मेडिकल और इंजीनियर की तैयारी करवाने वाला फिजिक वाला चैनल में वेस्ट ब्रिज और GSV वेंचर्स ने 0.777 अरब रुपए का निवेश किया है। प्रयागराज के रहने वाले अलक पांडे शुरू से ही पढ़ने में तेज थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनको कई परेशानियों से जूझना पड़ा। एक समय ऐसा आया पिता सतीश पांडे और माँ रजत पांडे को अपने बेटे अलक और बेटी अदिति को पढ़ाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा था। 2014 में अलक ने तीसरे वर्ष में ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह अपने गृह जनपद प्रयागराज वापस आ जाए गए और कोचिंग सेंटर से जुड़े। 2016-17 में अलक पांडे ने अपना एक चैनल फिजिक्स वाला के नाम से यूट्यूब पर खोला और अपने लेक्चर्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके YouTube वीडियो को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स बहुत पसंद करने लगे और दिनों दिन उनके व्यूज भी बढ़ने लगे। और इसके बाद लगातार 3 साल तक अलक पांडे ने YouTube पर वीडियो अपलोड की और अपने लेक्चर देते रहे। इसके बाद कोरोना काल में अलक पांडे ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया जिसमें वो नीट और JEE की तैयारी करवाते थे। इनके चैनल पर आज 69 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनकी ऐप को प्रतिदिन 6 लाख लोग से ज्यादा यूज करते हैं। अलक पांडे ने अन अकेडमी से 4 करोड़ के सालाना नौकरी की पेशकश को भी ठुकरा दिया था और उन्होंने फिजिक्स वाला के इस टीचर ने 7.5 करोड़ के एक और ऑफर को भी ठुकरा दिया था। इसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जिसकी आज वैल्यू 8500 करोड़ रुपए है। यूनिकॉर्न क्या होता है? आज के समय में यूनिकॉर्न एक कॉमन शब्द होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्यांकन $1 अरब तक पहुंच गया हो और यह हमारे देश की 101वीं कंपनी बनने में अपना नाम शामिल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।